हेलो एवरीवन, मैं कुणाल कुमार विश्वकर्मा आज आप लोग के सामने क्लास ट्वेल्थ एग्ज़ाम की कुछ इम्पॉर्टेंट टिप्स को लेकर के आया हूँ। जैसा कि क्लास ट्वेल्थ के स्कूल के क्लासेस ओवर हो चुके हैं तो सबके मन में कुछ जानने की इच्छाएं होती हैं कि अभी कैसे पढ़ें, घर में किस तरह से तैयारी करें। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए मुझे लगा कि इसके बारे में वीडियो ज़रूर बनानी चाहिए। ऐसा क्या है कि क्लास ट्वेल्थ के एग्ज़ाम में, मैथ्स के एग्ज़ाम में पास करना तो बहुत आसान होता है, और अगर हम लोग ध्यान से पढ़ें और कुछ इम्पॉर्टेंट बातों को ध्यान में रखें तो पास करना तो बहुत आसानी है। और हर साल कुछ ऐसे भी स्टूडेंट्स होते हैं जो 100% मार्क्स तक भी लेकर आते हैं। तो आज मैं आपको कुछ ऐसे टिप्स को बताऊंगा जिसके बारे में जान करके आप आश्वस्त हो जाएंगे कि क्लास ट्वेल्थ के मैथ्स के एग्ज़ाम में पास करना तो आसान है ही, साथ ही साथ 100% मार्क्स लाना है बिल्कुल आसान है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कौन कौन से टिप्स हैं? पहला टिप्स क्या है कि अगर हम लोग पर डे स्कूल से, ऑब्वियस है कि हम लोग की छुट्टी ऑलरेडी हो चुकी है, तो 4 घंटे मैथ्स का अगर रिवीजन अगर हम लोग करते हैं तो मैथमेटिक्स को लेकर के हम लोग का कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। और कॉन्फिडेंस बढ़ने से क्या होगा कि हम लोग बहुत अच्छा स्कोर कर पाएंगे। दूसरी बात कि हम लोग रिवीजन करने के दौरान जिन किसी भी चैप्टर्स का सिलेक्शन करते हैं तो उन चैप्टर्स में करना क्या है कि आपको हर एक चैप्टर्स का एक शॉर्ट नोट्स बनाना है। जैसा कि आप समझ लो आपको डायरी क्रिएट करनी है। जैसे मान लें कि हम लोग मैट्रिसेस की तैयारी कर रहे हैं तो मैट्रिसेस से रिलेटेड कुछ फार्मूला, कुछ थ्योरम्स से रिलेटेड कुछ हम लोग इसको तैयार कर लेंगे, जिससे क्या होगा कि डे बाय डे इसको देखने से हम लोग इस चीज़ को भूल नहीं पाएंगे। जैसे डिटर्मिनेंट्स की अगर तैयारी कर रहे हैं तो डिटर्मिनेंट्स के कुछ 10-15 जो रूल्स हैं अगर उसको ध्यान में रखें, कुछ रो ऑपरेशंस को ध्यान में रखें तो क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाते हैं। अगर डिफरेंशिएशन की बात करें, डिफरेंशिएशन के क्वेश्चंस को सॉल्व करना है तो डेरिवेटिव्स के फॉर्मूले को लर्न करना जरूरी होता है। तो इन हर एक चैप्टर्स के फॉर्मूला का अगर हम लोग शॉर्ट नोट्स डायरी बना कर तैयार कर लेते हैं अगर पहले से ही, और उसको हर दिन कम से कम एक बार देखते हैं तो चैप्टर से हम लोग का क्या लगाव बना रहेगा और हम लोग इस चीज़ को भूल नहीं पाएंगे। तीसरी बात क्या है कि ये बात तो एकदम क्लियर है कि क्लास 11th 12th में हम लोग मैथमेटिक्स में या किसी भी सब्जेक्ट्स में नॉलेज गेन करने के लिए पढ़ते हैं। तो नॉलेज गेन करने के साथ साथ होता क्या है कि एक ऐसा दिन भी जरूर आता है कि जब हम लोग उस नॉलेज से अपने आप से रूबरू होते हैं कि हम लोग कितना पढ़ें और कितना नहीं पढ़ें, तो इसके लिए एग्जाम होता है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि हम लोग साल दो साल पढ़ते तो जरूर हैं लेकिन एग्जाम कैसे दिया जाए इस बात की हम लोग का कोई ध्यान वगैरह नहीं रहता है, मतलब हम लोग तैयारी नहीं करते। तो मैं आज आपको ये बताऊंगा कि आखिर आप लोग एग्जाम की तैयारी करें कैसे। होता क्या है कि अगर हम लोग किसी भी क्वेश्चन को याद करने के लिए, सॉल्व करने के लिए, इसको 2-4 बार प्रैक्टिस करते हैं तो मगर एग्जाम देने का तो प्रैक्टिस होता नहीं है। तो इसके लिए आप लोग क्या करना है कि क्लास 12 के मैथमेटिक्स के सैंपल पेपर में जो भी मॉडल टेस्ट पेपर होता है, कम से कम 5 मॉडल या 7 मॉडल टेस्ट पेपर आप जरूर सॉल्व करें। अगर 5-7 मॉडल टेस्ट पेपर आप सॉल्व करते हैं तो आपको जरूर ये बात पता चल जाता है कि आपकी तैयारी कैसी है, और उस तैयारी को ध्यान में रखते हुए आप अपना इवैल्यूएशन कर पाते हैं कि हम लोग तैयारी आखिर ढंग से कर पाए कि नहीं कर पाए। तो आप बोलिएगा कि चलिए सर हम लोग 5-7 मॉडल टेस्ट पेपर सॉल्व कर ही लेते हैं, तो फिर उसका क्या होगा। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आप 2-4, 5-7 मॉडल टेस्ट पेपर सॉल्व कर लेते हैं और उसका इवैल्यूएशन खुद से करते हैं तो आप पूछेंगे इवैल्यूएशन हम खुद से कैसे करेंगे। तो अगर आप लोग सीबीएसई बोर्ड के स्टूडेंट हैं तो क्लास में कभी भी कोई भी एग्जाम वगैरह होती है तो उसकी कॉपियों को तो आपको दिखाया जाता ही है, और आप लोग तो जानते हैं कि कौन से कॉपी में किसी भी क्वेश्चन को कैसे इवैल्यूएट किया जाता है, किसी भी पर्टिकुलर क्वेश्चन में मार्क्स कैसे डाला जाता है। तो ये बात तो सब कुछ आप लोग को पता पहले से ही है। तो इसी काम को आप लोग अपने फायदे के लिए घर में खुद से 3 घंटे का अलार्म सेट करके एग्जाम लें, अपने कॉपी को खुद से इवैल्यूएट करें और इवैल्यूएट करने के बाद चेक करें कि आपको कितना मार्क्स आया। ऐसा करने पर आपको लगेगा कि फर्स्ट टाइम अगर मान लेते हैं आपको पास मार्क्स आता है तो अगर आप सेकंड टाइम करेंगे तो मार्क्स कुछ और बढ़ जाएगा, थर्ड टाइम में कुछ और बढ़ जाएगा, और इससे क्या होगा कि आपको पता चलेगा कि कौन से चैप्टर के कौन से टॉपिक में आपको कहां पर प्रॉब्लम हो रही है। तो इस तरह के प्रॉब्लम्स को अगर आप खुद से ध्यान में रख लेंगे और उसको दोबारा रिविजन करेंगे तो आपका काम करीब करीब बहुत अच्छी तरीके से पूरा हो जाएगा। तीसरी बात क्या है कि इस तरीके का काम कर लेने पर के बाद हम लोग क्या होता है कि हम लोग पूरे कॉन्फिडेंट हो जाते हैं कि एग्जाम में हम लोग को क्या करना और कैसे करना है। तो और एक बात मैं आपको बता दूं कि मैंने जैसे पहले आपको बताया कि क्लास 12th में एग्जाम में मैथ्स में पास करना बहुत आसान है। तो अब पास करना आसान कैसे है कि कुछ ऐसे चुनिंदा चैप्टर्स ऐसे होते हैं कि जहां से अगर हम लोग 2-4 काम अगर आसानी से कर लें तो आप पास कर जाएंगे। जैसे मैट्रिसेस से, डिटर्मिनेंट से, मैक्सिमा मिनिमा से, डेफिनेट इंटीग्रेशन से, डिफरेंशियल इक्वेशन से, LPP से, प्रोबेबिलिटी से, हर एक साल एक क्वेश्चन आते हैं, यहाँ तक वेक्टर थ्योरी से भी क्वेश्चन आते हैं। अगर इन चैप्टर्स के क्वेश्चन को अगर हम लोग सॉल्व कर लें तो
आसानी से बोर्ड पास कर सकते हैं। आगे की बात अगर मैं करूं तो एग्जाम के समय ज़्यादा स्ट्रेस ना लें, 6 घंटे की पूरी नींद लें, और हाँ अपने आप को किसी से कंपेयर ना करें। कंपेरिजन से क्या होता है कि आपको खुशी तो कभी मिलेगी नहीं, रास्ता ही हाथ लगेगी। तो इस सब बातों का अगर हम लोग ध्यान रखें तो क्लास 12th में मैथ्स के एग्जाम में बहुत अच्छा मार्क्स स्कोर कर ही सकते हैं। यहाँ तक अगर हम लोग बहुत अच्छा स्कोर कर पाएँ तो 100% भी हो सकता है। थैंक यू।